हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों? आज हम आपकी क्लास 8 की मैथ की सेकंड यूनिट करेंगे। यूनिट का नाम है बच्चों, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम समीकरण सीखेंगे बच्चों। प्रश्नावली है हमारी 2.1 और इसमें लिखा हुआ है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए। तो पहला सवाल है बच्चों हमारा, x-2 x-2 बराबर 7। तो ये हमारा सवाल है, आपकी बुक में दिया हुआ है। तो बच्चों आपको एक बात ध्यान देनी है कि इसमें दो पक्ष होते हैं। देखिए यहाँ पर बराबर का निशान लगा हुआ है, ठीक है? तो बराबर के जो बाई तरफ है यानी x-2, ये तो हो गया हमारा बायां पक्ष, और बराबर के जो दाई तरफ लिखा हुआ है 7, वो दायां पक्ष है। हर सवाल में बच्चों आपको ऐसे ही करना है, ठीक है? एक हमारा बायां पक्ष होता है, एक होता है दायां पक्ष। अब हम सवाल को हल करना शुरू करते हैं। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या होता है। चलिए अब हम सवाल को शुरू करते हैं। हमारा सवाल है x-2 = 7। अब आपको क्या करना है, इस दो को दोनों पक्षों में जोड़ना है, ठीक है? दोनों पक्ष मतलब बायां पक्ष में भी 2 जोड़ना है और दाएं पक्ष में भी 2 को जोड़ना है। 2 को दोनों तरफ जोड़ना है। तो यहां पर बच्चों x-2 तो हम लिख ही रहे हैं, +2 तो आपको यहां पर लिखना है। फिर बराबर का निशान लगाएंगे, फिर 7 + 2, ठीक है? दोनों तरफ आपको 2 जोड़ना है। तो यहां पर आपको लिखना है दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर आप लिखोगे, तभी टीचर को पता चलेगा कि आपने ये सवाल किस तरह हल किया है। 2 जोड़ने पर हमने दोनों पक्षों में 2 को जोड़ दिया। अब हल कर लेते हैं बच्चों, ठीक है? देखिए आप, x-2 + 2 है और 7 + 2 है, ठीक है? अब आप देखिए, इस 2 से ये 2 कट गया। कैसे कटा? 2 में से 2 को घटाया, एक प्लस का है 2 और एक माइनस का है। अगर प्लस और माइनस का आ जाता है बच्चों, एक जैसी संख्या आ जाती है, तो वो हम काट सकते हैं, ठीक है? यानी इसकी जगह क्या बचे? 0 बचे। तो हमने 2 में से 2 को घटा दिया है, काट दिया है, ठीक है? अब हमारे पास यहाँ रह गया एक्स और ये रह गया बराबर 7 + 9। तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों, x = 9। अब आप अपने हल की जांच भी कर सकते हैं कि आपका सवाल सही है या नहीं है। बच्चों दो सवालों का हल मैं आपको जांच करके दिखा दूंगी, बाकी के आपको सेम उसी पैटर्न से करने हैं। हल की जांच आप किस तरह से करोगे? दिए गए समीकरण में हमारा जो समीकरण दिया हुआ था, समीकरण में अब हमारा x बराबर आया बच्चों 9, ठीक है? समीकरण में x के स्थान पर हमने क्या लिखा है? 9। x का मतलब क्या है? 9। अब आपका जो बायां पक्ष था, बायां पक्ष कौन सा था बच्चों, आप अपनी बुक में देखिए, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था। बायां पक्ष था बच्चों हमारा x-2 था, ठीक है? अब x की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 9 लिखेंगे, ठीक है? और इसकी जगह हम क्या, इसके साथ हम क्या घटाएंगे? 2 को। अब कितना बचे? 7। तो आपकी जो आंसर है वो है, दायां पक्ष में हमारा क्या आ गया है? ये दायां पक्ष है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ स्टार्टिंग से ही कि हमारा आंसर क्या था। x के स्थान पर हमने क्या रख दिया? 9। 9 में से 2 घटाए तो आ गया 7। तो आपका आंसर भी सही आया नीचे, कि जो दाई तरफ है आपका 7 आ रहा है और यहाँ भी बच्चों दायां पक्ष 7 आ रहा है। तो ये आपका सवाल बिल्कुल सही है। अब चलो बच्चे दूसरा सवाल करते हैं हम लोग। दूसरा सवाल है बच्चों आपका, y+3 = 10। तो ये सवाल है बच्चों, इसके की भी 2 पक्ष है, एक है बायां पक्ष जो बराबर की बाई तरफ होता है यानी लेफ्ट साइड होता है, वो होता है बायां पक्ष, और जो 10 है वो दायां पक्ष में आएगा जो आपकी राइट साइड है। अब हम सवाल को हल करना शुरू करते हैं।
अब आपको ये तीन को दोनों में क्या करना है, घटाना है। ऊपर हमने जोड़ा था, यहां पर क्या करना है आपको, तीन को दोनों पक्षों में से घटाना है। यहाँ आ जाएगा 22 + 3 - 3, घटाना है ठीक है, और बराबर आ जाएगा 10 - 3। अब आपको यहाँ लिखना है दोनों पक्षों में से दोनों पक्षों में 3 घटाने पर, ऊपर जोड़ा था इसलिए हमने यहां पर लिखा था जोड़ने पर घटाने पर। अब दोनों में आपने क्या किया है, 3 को घटाया है, तो घटाने पर आएगा बच्चों हमारा y। देखो एक प्लस का 3 है, एक माइनस का है ठीक है, तो 3 में से 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा 0। तो 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, आप काट भी सकते हो 3 में से 3, और नहीं भी काटोगे तो भी ये 3 में से 3 घटा हुआ ही माना जाएगा, और 10 में से 3 घटाया तो रह गया हमारा 7। तो ये हमारा बच्चों आंसर आया है। अब आप हल की जांच कैसे करोगे, हल की जांच तो मैं ये भी आपको बता रही हूँ, और बाकी के सम की जो हल की जांच है आप स्वयं कीजिएगा। अब ये था हमारा बच्चों हल की जांच के दिए गए समीकरण, जो हमें प्रश्न में दिया हुआ था, समीकरण में y बराबर 7। देखिए यहाँ पर आंसर है ना y बराबर 7, तो जो हमारा सवाल था वो सवाल था हमारा बायां पक्ष था ना, बायां पक्ष क्या था बच्चों, y प्लस 3 था ठीक है। अब y की जगह हमने क्या लिख दिया, 7 और प्लस 3, ये आ रहा है आपका 10। तो ये हमारा दायां पक्ष का 10 है, आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है या गलत आ रहा है ठीक है। यहाँ 10 आया है और यहाँ भी देखिए दायें पक्ष में 10, तो जो ये हमारा सवाल है वो बिल्कुल राइट है, सही है। अब हम करेंगे थर्ड सम, तो बच्चों अब हल्की जांच आप स्वयं कीजिएगा, तरीका मैंने आपको बता दिया है। वाई बराबर जेड प्लस 2, ये आपका बच्चों थर्ड सम शुरू हो जाता है, ये हमारा सवाल है। अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में 2 को घटाना है, ये जो 2 है दोनों पक्ष, ये बच्चों बायां पक्ष है और ये हमारा है दायां पक्ष, जो बराबर बीच में बराबर दिया होता है उसी से हम बांटते कि बाई तरफ कौन से संख्या आ रही है और दाई तरफ कौन सी आ रही है। अब हम दोनों पक्षों में से 2 को घटाएंगे, 6 - 2 = जेड प्लस 2 - 2 ठीक है। अब 6 में से 2 को कट किया तो आ गया 4, और जेड तो रहेगा ही, और ये 2 एक प्लस का एक माइनस का है, प्लस माइनस कट गए ठीक है, प्लस और माइनस आपस में कट गए तो रह गया हमारे पास जेड। जहां भी प्लस माइनस एक जैसी संख्या आए तब तो आपको काट देना है, अगर बड़ी छोटी आती है फिर आपको घटाव या जोड़ करना है, लेकिन दोनों ही सेम आती है, एक प्लस की होती है एक माइनस की होती है, तो आप उनको आपस में काट सकते हो, इसके स्थान पर मतलब आएगा कि यहाँ कुछ भी नहीं बचा है, बचा क्या है सिर्फ ये जेड जो रह गया था। अब आपका आएगा जेड बराबर 4। अब हल्की जांच कीजिएगा और करने के बाद मुझे बताइएगा कमेंट करके ठीक है। हल्की जांच आप कीजिएगा, आपको जेड के स्थान पर 4 लिखना है ठीक है। अब हम करेंगे आपका चौथा सवाल, 3/7 + x = 17/7, ये आपका बच्चों सवाल है। दोनों पक्षों में आपको क्या करना है, ये 3/7 घटाना है ठीक है, तो आपको घटाना है यहाँ पर दोनों पक्षों में से। अब मैं बच्चों बायां पक्ष दायां पक्ष आप खुद लिख लीजिएगा, मैंने आपको सिखा दिया ठीक है। अब दोनों पक्षों में से 3/7 - 3/7 को आपको क्या करना है, घटाना है, और प्लस आएगा बच्चों यहाँ x बराबर 17/7 - 3/7। तो आपको लिखना जरूर पड़ेगा कि आपने दोनों पक्षों में क्या किया है, दोनों पक्षों में से 3/7
घटाने पर। अब घटाने पर क्या होगा, देखिए ये बच्चों है 3/7 प्लस का और ये है माइनस का, ठीक है, और ये प्लस का सेम है माइनस का सेम है तो ये कट जाएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा सिर्फ ये x, तो हम यहाँ x लिख देंगे, ठीक है। और देखिए बच्चों जहां पर हर एक जैसा होता है, जैसे 17/7 है और 3/7 है, तो आप इस तरह से भी हल कर सकते हो, नहीं तो आपको क्या करना है 7 को एक बार लिख लेना है। आपने सीखे होंगे छोटी क्लास में कि जब दोनों हर एक जैसे होते हैं तो हम एक बार ही लिखेंगे, ठीक है, और 17 में से 3 को घटा देंगे, ठीक है। अब बचेगा आपका 14/7, ठीक है। अब आप इसको काट सकते हो, कैसे काट सकते हो, देखिए टेबल बोल के ये तो आपको आती है ना, ये कट जाते हैं जब एक ही पहाड़े में दोनों संख्याएं आ रही होती है, 7 × 7 = 14, तो ये बच्चों 2 बचा। अब आपका आंसर आया x = 2, ठीक है। जब भी प्लस का और माइनस का सेम ही डिजिट होती है बच्चों तो उसको काट देते हैं आपस में, ठीक है, और इस तरह से कुछ आ जाता है तो जो नीचे हर एक जैसा हो तो आप एक बार लिख दो, ऊपर की जो संख्या है अगर जोड़ का है तो जोड़ कर दीजिए, घटाव का है तो घटाव कर दीजिएगा, यहाँ पर घटाव है तो हमने यहाँ पर घटाव कर दिया था, ठीक है, और लास्ट में अगर डिजिट कटती है, संख्या कटती है तो आप काट सकते हो। अब एक्स क्या है, 2 है। अब आप हल्की जांच कीजिएगा, एक्स के स्थान पर आपको 2 लिखना है, बाकी आपको हल्की जांच मैंने आपको बता दी थी, सिखा दी है। अब हम करेंगे पांचवा सवाल बच्चों, पांचवा सवाल है 6x = 12। तो बच्चों बहुत इजी सवाल है, मैंने आपको पहले भी करवा दिया है ऐसा सेम। चलिए अब बच्चों आपको क्या करना है, जब ऐसी संख्या आ जाए तो आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में 6 से भाग देना है, ऐसी संख्या आ जाती है जहां पर, जैसे यहां पर अंक और एक्स वाई जेड साथ में लिखा हो, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, भाग देना होता है, इसका मतलब होता है, साधारण भाषा में आपको बताती हूँ, जैसे अगर इस तरह की संख्या आती है तो आपको एक्स इधर लिखना है और 12/6 लिखना है, ठीक है। ये सवाल हो गया 6 × 6 = 12, देखा जाए तो बहुत आसान सवाल है, लेकिन आप एक ही पैटर्न से चलिएगा, तो मैं आपको जिस पैटर्न से सिखा रही हूँ आप उसी पैटर्न से सीखिएगा, तो इसका मतलब क्या है, भाग किया है ना हमने, तो आपको यहाँ क्या करना है, ऐसी संख्या में भाग देना है, तो दोनों पक्षों में 6 का भाग देना है, दोनों पक्ष हो गए बायां पक्ष और दायां पक्ष, दोनों पक्षों में आपको 6 का भाग देना है, यहाँ लिखना है बच्चों आपको 6x/6, बटे में कोई संख्या आ जाती है तो बच्चों ये भाग ही समझा जाता है, ठीक है, कि ये भाग है, और 12/6 आपको यहां लिखना है कि दोनों पक्षों में 6 से भाग देने पर, भाग देने पर क्या हुआ बच्चों, देखिए तो आप ये हमारा कट गया सवाल, 6x/6 = 12/6, तो ये कट गया, 6 × 6 = 12, ठीक है। अब हम काटेंगे बच्चों 6 को इस 6 से, ठीक है, अब बचा हमारे पास x = 2, तो ये आपका आंसर है x = 2। हल्की जांच आप कीजिएगा, सवाल नंबर 6 शुरू होता है बच्चों, t/5 = 10, इसमें आपको दोनों पक्षों में 5 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 10 है बच्चों, दोनों पक्षों में 5 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का सवाल आ जाता है, कोई भी डिजिट ऊपर नीचे हो अंश और हर में और बराबर कोई संख्या दी हुई होती है तो उसमें गुना करना होता है, यहाँ पर दोनों पक्षों में हम गुना करेंगे, t/5 × 5 = 10 × 5, तो देखिए बच्चों ये कट गया 5 से 5, तो आपको यहाँ लिखना है बच्चों कि दोनों पक्षों में
दोनों पक्षों को पांच से गुणा करने पर, गुणा करने पर क्या हुआ बच्चों, ये पांच से पांच कट गया, ठीक है। अब बचा टी, और टी बराबर 10 को पांच से गुणा करोगे तो 50 आएगा, 10 × 5 = 50, तो आपका ये आंसर आया टी बराबर 50। अब हम करेंगे सातवां सवाल। टू एक्स बटे 3 = 18, तो बच्चों सेम छठे जैसा ही है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, गुना ही करना है, ठीक है। तो बच्चों इसको करने का मैं आपको एक आसान तरीका भी बता सकती हूँ, और छठा सवाल भी आप सेम भी कर सकते हो, ठीक है। ये एक जैसे ही है छठा और सातवां, तो इसमें मैं आपको अलग तरीके से सिखा रही हूँ, ठीक है। जब भी इस तरह की कोई संख्या आती है, अंश और हर में और बराबर कोई संख्या लिखी होती है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप करोगे 2 × 2x = 18। तो ये 3 है ना बच्चों, 3 को आपको इस साइड ले जाना है गुना में, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 18 × 3, आप इसको इस तरफ दाई तरफ ले जाकर गुना कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको, अब आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 3 का पक्षांतर करने पर, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना है कि 3 का हमने क्या किया, पक्षांतर किया है, इसका जो पक्ष है वो चेंज किया है हमने 3 का पक्षांतर करने पर। तो आपको जो तरीका सही लगता है आप कर सकते हो, छठा सवाल भी आप सेम कर सकते हो, 3 का पक्षांतर कर दिया हमने। अब आपको क्या करना है, 2x = 18 का 3 तक पहाड़ा बोलना है, 18 का पहाड़ा 3 तक बोलना है, ठीक है। तो 18 को 3 से गुणा करने पर आपका आएगा आंसर 54, ठीक है। अब इतना सवाल तो हल हो गया, अब आपको क्या करना है कि जो x है इसको एक तरफ रखना है, और 54 बटे आपको ये 2 है 54 के नीचे ले जाना है, ठीक है। तो अब आप काट सकोगे, ठीक है, कितना आएगा काट के देखिए या पहाड़ा बोल के देखिए, ठीक है। जब आप इसको काटोगे ना 2 का या भाग करोगे, तो आपका उत्तर 27 आएगा, x = 27, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और तो आप दोनों तरीके मैंने आपको सिखा दिए, छठे वाले में भी सिखाया था बच्चों, आप चाहो तो छठे में भी सेम तरीका अपना सकते हो। जैसे टी बराबर 10 × 5 करोगे तो आपका आ जाएगा t = 50, ठीक है, और आंसर t = 50 ही है। ये थोड़ा छोटा तरीका है, और उसमें टी के साथ आगे अंक भी लगा हुआ था, इसलिए हमने भाग किया। बच्चों मैंने आपको 1 से लेकर 7 सवाल सिखा दिए हैं, 8 से लेकर 12 के सवाल हम नई वीडियो में करेंगे, क्योंकि तो लेंथ ही बहुत हो जाता तो आपको एकदम समझ भी नहीं आता, इसलिए हमने 8 से लेकर 12 तक के सवालों की अलग से वीडियो बना दी है। तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, और जो सवाल करा दिए हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।